सत्ता में। अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध आपसे और आपके परिवार से है। आज हम आपको दवाइयों में बेईमानी वाली उस मिलावट से सावधान करने वाले। अगले 5 मिनट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका शिकार शायद इस वक्त आप भी हो रहे हो। इसीलिए इस खबर की शुरुआत आज हम कुछ सवालों के साथ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहला सवाल क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रोज दवाइयां खा रहे हो लेकिन उनका असर आप पे ना हो रहा हो। ध्यान से देखिएगा यह खबर, क्या आपको अब यह तो नहीं लगने लगा है कि शुगर, बीपी और कैंसर की जीवन रक्षक दवाएं खुद ही बीमार हैं? कहीं आप भी नकली दवाओं के शिकंजे में तो नहीं फंस गए हैं? या फिर आपने ये नोट किया हो कि दवा खाने के बावजूद आप और ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं? अगर इन सवालों में एक का जवाब भी हां है तो एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपकी दवा भी तो नकली नहीं है। और अगर एक भी जवाब हां है तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। दरअसल आज सत्ता में हम आपको नकली दवाओं से कैंसर के मरीजों का नरसंहार करने वाले ऐसे ही सौदागरों से मिलवाने जा रहे हैं जो उन लोगों की जिंदगी के नाम पर अपनी जेब भर रहे थे जो पहले से कैंसर की वजह से धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं। और ये लोग देश के किसी छोटे गांव या जिले में नहीं थे बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद थे। देश की सबसे बड़ी दवा मार्केट भागीरथ पैलेस में क्राइम ब्रांच की साइबर यूनिट ने छापे मारकर नकली दवाओं के कारोबार का पर्दाफाश किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने कैंसर और डायबिटीज की नकली दवाएं बहुत बड़ी मात्रा में जब्त की हैं। भागीरथ पैलेस में रेड के बाद कैंसर और डायबिटीज की जो नकली दवाएं और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं उनके नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इन दवाओं का इस्तेमाल कैंसर से पीड़ित कई मरीजों पर किया जा रहा हो। यह वो इंजेक्शन है जिनका प्रयोग कैंसर की गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। हैरानी यह है कि दिल्ली से पहले गाजियाबाद से भी ऐसी नकली दवाएं पकड़ी गई थीं, जिन पर बड़ी और नामी कंपनियों के नाम लिखे थे। दवा है कैंसर के जो नकली इंजेक्शन मिले हैं, यह दावा किया गया है, उनमें से कई शीशियां भरी थी और जो खाली शीशियां थी उन्हें 100 रुपए वाली फंगल की दवा से भरा जाना। इन नकली इंजेक्शन के साथ साथ ग्लूकोज और कैंसर में इस्तेमाल होने वाली नकली टैबलेट भी पुलिस ने जब्त की थी। कैंसर के अलावा डायबिटीज की भी कई दवाएं मार्केट में नकली मौजूद हैं जिन्हें अवैध फैक्ट्री में तैयार किया गया है। इनमें एक नाम है ग्लूकोनॉम G1 जो कि डायबिटीज यानी शुगर की दवा है, और ग्लूकोनॉम G2 इस दवा का इस्तेमाल भी शुगर की बीमारी में किया जाता है। इसके बाद MRL M जिसे बहुत सारे डायबिटीज के मरीज इस्तेमाल करते हैं, यानी जिन दवाइयों को लंबे शोध और कई टेस्ट के बाद वैज्ञानिक और डॉक्टर्स तैयार करते हैं उन्हें कुछ लोग मिलकर एक फैक्ट्री में तैयार कर रहे थे और फिर उसे मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। देश की राजधानी दिल्ली नकली दवाइयों के व्यापार का एक हब बनती जा रही है और इस हब का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है दिल्ली की सबसे बड़ी थोक दवाइयों की जो मंडी है भागीरथ प्लेस। क्राइम ब्रांच की साइबर यूनिट ने यहां पर एक रेड की और यहां से नकली दवाइयों की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। ये दवाइयाँ कैंसर और डायबिटीज की होती थी जिनको बरामद किया गया है। पहले तो बहुत ही निंदनीय है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जो भी लोग इस कार्य को कर रहे हैं ये एक छवि बहुत बड़ी हमारी खराब कर रहे हैं हमारी मार्केट की जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और निंदनीय है। और मैं बिल्कुल खुले मन से आपको कहूँगा कि मार्केट में अगर कोई ऐसा काम करता है तो एसोसिएशन उसका कभी साथ नहीं देती है ना ही उसके साथ होगी। को
कुछ समय पहले पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 एक नामी अस्पताल के कर्मचारी भी थे। ये लोग कैंसर में इस्तेमाल होने वाले नकली वॉयल को बेचा करते थे, लाखों रुपए में इस वॉयल को बेचा जाता था। 7 लोगों की गिरफ्तारी के दौरान 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के जो नकली दवाई के वॉयल थे कैंसर में इस्तेमाल होने वाले, उनको पुलिस ने जब्त किया था। पहचानने का तरीका सिर्फ एक ही होता है कि उसके अंदर जो दवाई के स्पेलिंग लिखे होते हैं, पहले तो हमें उनको चेक करना चाहिए, उसके रैपर की पैकिंग को चेक करना चाहिए, जो कि ब्रांडेड मेडिसिन के रैपर्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत अच्छे से उस पर डेट वगैरह सब कुछ लिखी जाती है, परंतु जो नकली दवाइयाँ होती हैं उनकी पैकिंग में कहीं ना कहीं त्रुटि होती ही है। सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि यह पहली बार नहीं है जब भागीरथ पैलेस से ऐसा कुछ मिला या पकड़ा गया हो, तो यह बार बार हो कैसे रहा है? सत्ता में हमेशा की तरह हम आपको समस्या नहीं बल्कि समाधान भी बताएंगे। आप कैसे नकली दवाओं को पहचान सकते हैं जो देखने में तो बिल्कुल असली लगती हैं लेकिन असली होती नहीं है। जब दवा खरीदें तो उसके पैकेट पर जो QR कोड छपा होता है उसे अपने मोबाइल से स्कैन करें, क्योंकि इससे आपको दवा की सारी जानकारी मिल पाएगी। कोई दुकानदार अगर आपको दवाओं पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे या सस्ते ऑफर दे तो इससे तुरंत सावधान हो जाए। अगर दवाओं की पैकेजिंग में आपको किसी भी तरह की कोई खराबी लगे या दवा खुली हो तो उसे बिल्कुल भी ना खरीदें। साथ ही दवा हमेशा अच्छी और रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदें। और सबसे जरूरी बात यह है कि दवाइयां खरीदने के बाद दुकानदार से बिल जरूर लें। हम आपको नकली दवाओं को पहचानने वाला एक डेमो भी दिखाते हैं। ये नकली दवाई असली है या नहीं जानने के लिए स्कैनर जो होता है, स्कैनर हम कर सकते हैं। ये सबसे पहली बड़ी बात ये है कि ये हर दवाइयों के पैकेट पे इस तरीके का एक QR कोड होता है। इस QR कोड को हर आदमी को जानना चाहिए और उसके बाद जो है इस QR कोड से नकली और असली दवा का पता लगाते हैं। इसके लिए मोबाइल में एक जो स्कैनर होता है उसको हम लोग खोलते हैं और स्कैनर खोलने के बाद ये जो दवाई के गत्ते पर QR कोड बना होता है इसको स्कैन करते हैं। ये ठीक इसी तरीके से स्कैन होता है और स्कैन होते के साथ ही इस दवाई की जो पूरी डिटेल है वो सामने आ जाती है। इस डिटेल में पता लगता है कि ये जो दवाई है वो किस जगह की बनी हुई है। आप लोकेलिटा, ये पूरा एड्रेस है टोरंटो का और कंपनी का नाम है, ये फाइजर की दवाई है, ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। इसके अलावा दवाइयां नकली हैं या सही, इसका डेमो तो आपने देख लिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को लेकर जो आरोप लगाए थे वो सही है या गलत, अब इसको लेकर खबर।